दाब बनाया जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो पाइप भी उठाया जाए। देखिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये चैप्टर है क्लास टेंथ में और अभी आप लोग के टर्म वन में भी आ रहा है, ध्यान दीजिए। लियाम ऑल ओ फ्लैथरी एंड फ्रेडरिक फॉरसिथ, ये जो राइटर है इन्होंने लिखा है, जितने भी स्टोरी आते हैं उनके राइटर का नाम तो याद कर लीजिएगा। आपका चैप्टर स्केच पहले आप लोगों को समझा देते हैं, द चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ओके, मैंने टू स्टोरी मतलब दो अलग अलग स्टोरी है फ्लाइंग की, ट्रू नहीं है, टू मैंने दो स्टोरी है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्पायरिंग स्टोन्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। पहले जो फ्लाइट पे वो जा रहा है, ठीक है, और ब्लैक एरोप्लेन, ये ब्लैक एरोप्लेन क्या है, और जो पॉइंट अपने फर्स्ट फ्लाइट पे पहली उड़ान पे जा रहा है, पहली हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है, वो क्या है, इसके बारे में स्टोरी में है। दिस स्टोरी सो दैट ब्रेवरी एंड कॉर्डिक आर द रिलेटिव टर्म, आदमी की बहादुरी उसकी कायरता दोनों रिलेटिव है, मतलब वास्तविकता ये तो होता ही है, हर आदमी के अंदर एक बहादुर इंसान भी होता है और एक कायर इंसान भी होता है। इसका मतलब ये हुआ हर आदमी किसी ना किसी चीज से डरता जरूर है, और कुछ चीजें ऐसी है जो उसको बिल्कुल भी नहीं डराती, ये तो हर इंसान के साथ है। वन शुड नॉट लूज होप व्हाइल इन डेंजर लाइक द यंग सीगल एंड द पायलट ऑफ द प्लेन, दे सक्सीडेड टू अचीव देयर एम व्हेन दे ट्राइड हार्ड टू ओवरकम विद देयर फियर। सीगल अपने समुद्री पक्षी कभी डिस्कवरी पे देखिए, वो इतनी बहादुर होती है कि समुद्र में जब निकलती है ना, लंबी लंबी यात्राएं करती है, उसको इसका भय नहीं होता है कि डूब के मर जाएंगे या क्या होगा, और अधिकतर जो दूरी नहीं तय कर पाती डूब के मर भी जाती अगर अनुमान ना लगा पाए। उसी तरह इस जो फ्लाइट का जो पायलट है उसने भी अपने डर पर जीत हासिल की, और किस तरह कंट्रोल किया प्लेन को, क्या किया, वो सारी कहानी है। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, चार पांच कैरेक्टर हैं, उनके बारे में भी सुनते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग मिल भी जाएगा, ना ही देखे तो अच्छा होगा, खराब हो जाएगा आप लोग का, तो मत देखिएगा वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। फैमिली ऑफ सीगल, सीगल मतलब कि समुद्री जो पक्षी का नाम सीगल है, सिक्स मेंबर्स इन फैमिली ऑफ सीगल, सीगल जो पक्षी होती है बर्ड होती है उसके फैमिली में सिक्स मेंबर्स हैं। यंग सीगल वन हु इज अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर, एक जो यंग सीगल है मतलब छोटा बच्चा होता है भी, उसके पंख अच्छे से डेवलप हुए रहते हैं, वो डरता है उड़ने से, उसे डर लगता है। उसमें स्टोरी सेकंड में है, ये फर्स्ट स्टोरी सीगल की फैमिली की स्टोरी की बात होती है। दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन, ये दूसरी स्टोरी है। द नरेटर, जो नरेटर मतलब जो राइटर है इस स्टोरी का, अ पायलट हु वाज फ्लाइंग द डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस इंग्लैंड के बीच में वो यात्रा कर रहा है, लॉस्ट हिज वे ड्यू टू स्टॉर्म। जो इसमें नरेटर है इसमें एक पायलट के बारे में बता रहा है कि वो फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड तक की वो क्या कहते हैं फ्लाइट उड़ा रहा था, अचानक तूफान के चलते अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक है। द अननोन फ्रेंड, एक अननोन फ्रेंड कौन होता है इसमें, अ पायलट हु वाज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर टू फाइंड द वे इन द स्टॉर्म, ठीक है। जो ब्लैक एरोप्लेन जो पायलट उड़ा रहा था उसमें उसको रास्ता बताने में एक उसकी मदद करता है, नरेट करता है किस तरह से रास्ता होना चाहिए, उसकी हेल्प करता है स्टॉर्म के बाद। उसके बाद एक अभी पता चलेगा आपको, एक अननोन फ्रेंड है ना, कौन है था? हाँ पता नहीं, हमने नहीं पढ़ा। द वुमेन, द वर्किंग वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर हुम द नरेटर asked about, कैसे भी किसते हो, about the unknown friends of the black aeroplane, और जो कंट्रोल रूम में जो होती है ना, जैसे वुमेन जो वहां से प्लेन को रास्ता दिखाते हैं, कंट्रोल रूम जो होता है एरोप्लेन का, उसमें एक वुमेन रहती है, उसे इंटरेक्ट करता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, तो ये पूरा का पूरा आधा से ज्यादा आपको शुरू तो समझ में आएंगे वो क्या है इसमें, अब अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए समरी क्या है, द स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल,
सीगल जो बर्ड्स होती है, बच्ची होती है, उसकी फैमिली के बारे में. देर वॉज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल टाइम्स. उसमें एक छोटा बच्चा होता है सीगल का, वो कितना भी ट्राई कर लेता है, हर बार है ना डर के मारे हुए ना. अगर आपको उड़ना है तो ऊंचाई से आपको जंप करना पड़ेगा, तभी तो लिफ्ट मिलेगा ना. लेकिन वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, बहुत दिन हो गए ऐसा कर ही नहीं पा रहा. द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वन्स लाइफ. किसी भी आदमी के जीवन में, ठीक है ना, दोस्त का और फैमिली मेंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये बताया गया. इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हंड्रेड ऑफ वन. ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से इंसान को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और किस तरह से प्रयास के बाद कितनी भी मुश्किल हो वो उसे जीत सकता है. अब सीगल फैमिली के बारे में देखते हैं. आप लोगों ने सुना है स्टोरी स्कूल? नहीं, इसीलिए मैं ये पढ़ा भी रहा हूं क्योंकि और सब पहले वाले तो बहुत करा भी रखे हैं स्टोरी. जी बेटा फोन तो रख दो ना, मास्टर पढ़ा रहा है, फोन चला रहे हो, बंद करिए फोन को. एक घंटे तो कम से कम बर्दाश्त करिए इसके बिना. क्या पढ़ने का मतलब इसका? आप भी फोन बंद करिए, कोई बात नहीं, बंद करिए. द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ सिक्स सीगल्स, मदर फादर थ्री सन एंड वन डॉटर. मदर फादर तीन बेटे थे और एक बेटी थी उसकी, मैंने जो बच्ची की बर्ड की बात बता रहे हैं. All of them except the youngster son are expert in flying kite. इसमें जितने भी फैमिली मेंबर थे, एक उसमें बेटे को छोड़ करके जो यंग था उसको सब लोग ऊंची ऊंची मैंने लंबी लंबी उड़ाने भरते थे एकदम हाइट पे, उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो डरपोक था, उसे डर लगता था. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. उसके पेरेंट्स हमेशा हजारों बार लाखों बार प्रयास किए, मतलब हजारों और लाखों बार जब मैंने बोला ना तो ये तो हो नहीं सकता. ये फिगर ऑफ स्पीच का एक टर्म होता है जिसको बार बार बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है. तो बहुत प्रयास किया लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, ठीक है, हमेशा वो डर जाता था. ही रिलाइज ऑन द फूड दैट हिज पेरेंट्स ब्रिंग बैक फ्रॉम देयर फ्लाइट्स. वो हमेशा इसी चिंता में रहता था, विचार करता रहता है कब उसके पेरेंट्स आएंगे और खाना लेकर के आएंगे और उसको खिलाते हैं. पेरेंट्स सोच रहे भाई तू उड़ान भर, तू बड़ा हो गया, तू अपना खुद का रास्ता देख. यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग. जो यंग सीगल था उसका उड़ने को लेके क्या डर था वो देखिए. द यंगस्टर सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक्स दैट इफ ही फ्लाइज हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड डाउन. वो सोचता था जैसे आप जैसे बंजी जंपिंग भी आप समझते होंगे, सॉरी बंजी जंपिंग नहीं, एक देखा सूट होता है फ्लाइंग सूट, देखा होगा ऐसे वो कूद जाते हैं प्लाइन से और ऐसे चमगादड़ के जैसा होता है वो उड़ते रहते है ना, वेट सूट टाइप का, तो मूवियों में भी देखा होगा आप. तो ये बर्ड का भी ऐसा ही है, बर्ड जब जैसे ऊंचाई से छलांग लगाएगी ना तो वो एक लिफ्ट मिलता है. हाँ आप सोच भी उनका जो मसल, ये जो विंग्स का जो मसल होता है ना बर्ड्स का, वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है. और सबसे बड़ी बात उनके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, होता छोटा ही है लेकिन फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं. हम लोग अर्थ पर जितने भी जानवर आप देखते हो ना, बहुत कम ही ऐसे जानवर है जो हम लोगों से कमजोर हो. हम लोग का केवल दिमाग अच्छा होता है और बाद बाकी शरीर बहुत कमजोर, समझ रहे. देखिएगा हाँ, तो हमेशा डरता था कि अगर हम छलांग लगाएंगे उड़ान भरेंगे तो ये जो हमारे पंख है हमारा साथ नहीं देंगे और हो सकता है कि मैं है ना नीचे गिर जाऊं समुद्र में मर जाऊं. इवन इज सॉरी दे इवन टॉट, ठीक है, इवन हिज पेरेंट्स हैव रिवॉक्ड हिम. दे इवन threatened him if he doesn't fly he does die, he would die of hunger but he does not try. उसको rebuked मतलब कि बार बार उसको नहीं कहते हैं कसोटते रहना,
मतलब खुरे देते रहना कि अरे तू उठ कुछ करके जाए, नहीं घर में जैसे मान लो 25-26 साल के हो गए और आए खा करके डांगर की तरह पड़ गए, तो मम्मी पापा कहते जा उठना काटड़े सा कुछ करके आ गई, सर ही फुड़वा गया घर में पड़ा रहता है। तो वही बात, अभी आप लोगों को कोई ऐसा नहीं कहेगा, आप लोग तो मौज मारी है, अभी तो अभी पढ़ने का। तो उसी तरह इसको बोलते थे पेरेंट्स, किसी भी तरह इनकरेज करना चाहते, कुछ भी करे उड़ जाए किसी भी तरह से, कहते थे कि अगर नहीं आओगे ना तो हम लोग खाना नहीं देंगे और भूखे मारे मर जाएगा यहीं पे, लेकिन फिर भी वो ट्राई नहीं कर रहा। पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन, बोले कि ठीक है तो एक काम कर, अब तो भूख से मर ही जाए, छोड़ के चले गए। देखिए क्या हुआ, आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड। समुद्र के किनारे जो ऊंची पहाड़ियां होती हैं, चट्टानी निकल जाता तो वहीं पे अंडे देते हैं ना जो ईगल्स होते हैं सीगल, तो उस पत्थर पे छोड़ के इसकी फैमिली चली जाती है। भाई बहन तो अपने अपने रास्ते निकले गए थे, माँ बाप भी छोड़ गए कि भाई तू अब देख ले अपना जो करना है, अब इस बुढ़ापे में तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। देवन टॉट हिम फॉर हिज कॉर्डाइस, और उसको ये भी बता दिया कि अपनी ये जो तुम्हारी कायरता है, ये जो डर है, इससे बाहर निकलो नहीं तो तुम मरोगे, हम लोग तो भाई जा रहे हैं। द यंग सीगल लुक्स एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंजॉयिंग स्विमिंग डाइविंग इन द सी वाटर फॉर फिश टू फीड देमसेल्फ, बट नो वन कम फियर हिम टू ऑफर। ठीक है, सामने ही देखा कि वो उसके भाई बहन जो है ना मार रहे हैं, गोता निकाल रहे हैं, सीगल है ना उस समुद्र में गोता लगाते और बहुत गहराई तक 20 फुट 30 फुट तक जाएगी और मछली लेकर के सीधे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो बड़ी गुलाटियां मार रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन चिड़ा चिड़ा के खा रहे हैं, उसको भूख नहीं दे रहा, कोई उसके पास आ ही नहीं रहा खिलाने के लिए, गंदे लोग। हंगर एंड हीट इंक्रीजेस, जैसे जैसे समय बीतता गया तो दो चीज बड़ी, एक तो भूख और दूसरी गर्मी। एज द टाइम पासे द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट, ही मूव्स क्लोजर टू द एज less and pretending to fall asleep, but nobody taken notice of him. सोचा जैसे क्या होता है ना, जब छोटा बच्चा गिर जाए ना, रोता रहे और जैसे गिर जाए ना, कोई नहीं देख रहा है, चिल्ली मार के रोएगा ताकि दुनिया को अटेंशन लेने के लिए, ये पता चले। तो ये सोचा ना कैसे, तो ये ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये है ना टांगे हाथ ऊपर ऐसे करके, नहीं कैसे वो जो बहाने मारते हैं कि ले भाई मैं तो मर गया, फिर वो कोई देख नहीं रहा है, आंखें खुली देख रहा, भाई आ तो रहा नहीं भाई मुझे भी देख के, सारे निर्दयी हो गए। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव ऑलरेडी हैड हार्टी ब्रेकफास्ट एंड फादर सीम्स बिजी इन एडमायरिंग एंड क्लीनिंग द फेदर ऑफ हिज बैग। जो भाई बहन थे वो अपना नाश्ते में लगे हुए थे, कुछ शिकार करके लाए होंगे, और जो फादर था ना अपने पंखों को साफ कर रहा था। ठीक है, माँ कित गई भाई। द मदर लुक्स एट हिम एंड ट्राइज टू अटेम्प्ट हिम विद पीसेस ऑफ फिश, हिज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर। मदर उसी को, माँ तो माँ है, माँ देख रही थी बालक ने अपने छोटे बच्चे को सीगल को, अरे कितना भी चिल्ला आ रहा था, सब कुछ कर रहा था, देख रही थी, इसको दया आ रहा था, लेकिन वो कुछ दे नहीं रही थी, समझ रहे ना। यंग सीगल डाइव्स फॉर फूड, अब बोला ना देते चलो मरना है ऐसे भूखे तो चलो कूद के ही मरे, छलांग लगा देता। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज सरप्राइज इनफ एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पीटफुल कंडीशन। इतने कष्टदायक या पीटफुल मतलब पीड़ादायक, इतने पीड़ा भरे और जो भी सिचुएशन था, फिर भी मदर का कोई टेंशन नहीं, मदर ध्यान ना दे, है ना, हम लोग की मम्मी तो तुरंत लेकर के पहुंच जाएगी थाली, और मम्मी तो आ ही नहीं रही थी। देखिए तो क्या हुआ, Thus he dives for food, he begins to fall on with a scream as soon as he dives. Scream मतलब कि वो क्या कहते हैं, चिल्लाना, डर के मारे जो चिल्लाते हैं। डाइव लगाए और भाई तू ऊपर जा ही नहीं रहा, नीचे ही आ रहा है, अब ये चिल्ला के चिल्लाते 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 गया। फ्लाइट बिगिंस, और देखिए क्या होता है, द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी, समुद्र में जाके गिर जाता है, गिरने वाला होता है, मैंने गिरता गिरता जाता है। He is afraid of drowning, so he tries to spread his wings outward and begins flying. और सोचता है भाई अरे गए 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 गए, तो बोले क्या करें क्या करें, अब पानी में जाता है ना तो आदमी क्या करेगा, हाँ अरे भाई डूब गए, पाँव हाथ पाँव मारना स्टार्ट कर देगा, और हाथ पाँव ही तो मारता मारा जाता है तैरने में, समझ रहे ना।
अब इसने क्या किया, डर के मारे अपने विंग्स फैला दिए, विंग्स जैसे फैलाए तो इसको लिफ्ट मिल गया, ये उड़ने लगा। इट फील्स अ लिटिल डिजी बट ऑल हिज फियर वैनिश्ड, थोड़ा सा इसको घबराहट तो हुआ, डर तो आया मन में, लेकिन सारा का सारा डर थोड़ी देर में, जैसे उड़ान भरी थोड़ी देर इसने, सारा का सारा डर बिल्कुल फिनिश हो गया, वैनिश हो गया। जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रिटर्न ऑफ फैमिली, द सीगल बिकम्स सो हैप्पी एंड सोर्स हायर कॉलिंग, जो भी म्यूजिक निकालते हैं, इट वॉज रियली अ जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली। वो ऊंची ऊंची उड़ाने भरने लगा, सब फैमिली के लिए सुख की बात थी। अब देखिए, तो सीगल वाला समझ में आ गया। अब ये ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, सीगल से कम आता है, जो पीछे का ट्रेंड था। अब तो देखिए कैसे आता है, द ब्लैक एरोप्लेन। ये ब्लैक एरोप्लेन क्या था, कौन उड़ा रहा था, क्या था? इन द स्टोरी द नैरेटर वाज फ्लाइंग टू इंग्लैंड टू एंजॉय हिज हॉलीडे। नैरेटर जो स्टोरी जिसने बोला है ये, वो खुद ही ये प्लेन उड़ा रहा था, नहीं है जो वन सीटर प्लेन होता है, टू सीटर प्लेन जो उस टाइप उड़ा रहा है अपनी छुट्टियों में। हाँ, बहुत नजदीक है फ्रांस इंग्लैंड, बीच में इंग्लिश चैनल है थोड़ी किलोमीटर का, ज्यादा लंबा नहीं, और अंडरग्राउंड है ना, पानी समुद्र के अंदर वो चैनल बना दिया गया है और मेट्रो ट्रेन जाती है, समझ रहे? द नैरेटर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। रात का समय था, नैरेटर फ्रांस से इंग्लैंड की ओर यान को उड़ा रहा। He was eager to meet his family. He was dreaming of his holiday. Then, stars were shining in the clear sky. Even the city Paris could be seen down below. He called Paris control to get instructed about the way. He was instructed to turn 12 degree west. जी, फ्रांस और इंग्लैंड के पीछे समुद्र है। तो भाई यहां से 200 किलोमीटर दूर भी कोई सेंटर होगा तो वेव स्पेस है, रेडियो सिग्नल से होता है ना। अब ऐसे थोड़ी रस्सी फेंक के हुक मारेंगे भाई, पकड़ के रखें, सिंपल सी बात है। तो नीचे पेरिस सिटी में हर एयरपोर्ट पे एक कंट्रोल स्टेशन होता है ना, तो वहां से जो भी एरोप्लेन उड़ती है, जैसे ही इस कंट्रोल सेंटर से बाहर निकला तो जिस कंट्रोल सेंटर में जाएगा एयर स्पेस में, ठीक है, वो उससे वहां पर क्या कहते हैं, इंटरेक्ट होता है, वो रास्ता बताते हैं। ऊपर बैठे हुए आदमी को कुछ थोड़ी दिखता है कहाँ जाना है, ऐसा थोड़ी इस गली को मोड़ लो, वह चार नंबर गली लिए आरटी भी थोड़ी है। रूट्स होता है ना, क्या बोल रहे, पॉइंट्स मतलब की देखिये मैथ की तरह होता है वो, मैथमेटिक्स का जो भी मैप नहीं, मैप वो सब काम नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो नीचे कंट्रोल रूम में रहते हैं उनको सारा चीज देखता है वो, केवल इतने डिग्री राइट, इतने डिग्री लेफ्ट, इतना हाइट एल्टीट्यूड रखना, ये सब उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जी तो प्लेन खो जाएगा, हाँ बिल्कुल, और क्या, समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, बिल्कुल जी, और क्या, आपको क्या लग रहा है, मजा क्या क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, वो डायरेक्शन जो होता है ना कंट्रोल होता है, वो डायरेक्शन कहाँ से आता है, कंट्रोल रूम से ही सारा डायरेक्शन उनको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि खुद, मैंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो आएगा, अच्छा मतलब आप ये करो, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बात है, लेकिन अभी आप ये जान लो कि जब अगर आप सी के ऊपर या कहीं भी उड़ रहे हो ना, ठीक है, अभी कितने सारे प्लेन है ना जिनका कंट्रोल रूम से सेंटर से अगर वो अगर खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं जाके खो जाते हैं प्लेन, कहीं ना कहीं क्रैश हो जाए, उनको पता ही नहीं है कब तक उड़ोगे, फ्यूल ही खत्म हो जाएगा आपका, आपको कंट्रोल रूम से होना चाहिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन बिना कंट्रोल रूम के, क्योंकि कहाँ उतर जाएंगे, नीचे जमीन दिख रही है कहीं भी लैंड कर जो, पता भी नहीं कहाँ है वो, होता तो हो गए जीपीएस, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, मैंने भी भाई मूवी में इन सबों में देखा है, एग्जैक्ट मैंने कोई एरोप्लेन का तो स्पेशलिस्ट नहीं है हम लोग, अरे सब में बताया, तो उसमें यही देखा गया कि जैसे ही कंट्रोल रूम है ना या कंट्रोल सेंटर से अगर उनका कनेक्शन टूट गया तो वो कहीं ना कहीं उनको क्रैश हो जाना पड़ता है, दिक्कत होती है, मतलब एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दिक्कत होती है, हो सकता है आप एडवांस हो गया, इस समय नहीं था बस,
हम लोग इसको क्रैश करेंगे. He was eager to, और वो उड़ान भर रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. समझ रहे बात को जी? जो नैरेटर है ना वो खुद ही प्लेन उड़ा रहा था, वही पायलट भी था उसका, और फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. क्लियर है? अब जो जैसे उड़ान भरी ना तो नीचे पूरा पेरिस सिटी उसको दिख रहा है. पेरिस से तो चला था वो, टेक ऑफ किया था, और नीचे जो पेरिस का कंट्रोल सेंटर था वहां से उसने कनेक्ट किया. तो उसे इंस्ट्रक्शन मिला कि 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट आप मुड़ जाओ. या भाई, फियर ऑफ स्टॉर्म. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल बिफोर द सॉ द स्टॉर्म क्लाउड एंड पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था और सब कुछ ठीक था, तभी अचानक उसको एक तूफान दिखता है. ठीक है, द कंपास एज वेल एज अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग. हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब, वहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो वहां पे है ना वो काम नहीं करते उतने हाइट पर, ये प्रॉब्लम होती है. तो रेडियो वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया था, रेडियो वेव से वो कनेक्ट करके रखते हैं. जीपीएस स्पेस भी तो बेटा नीचे ही काम करेगा ना, ऊपर कैसे काम करेगा? रेडियो वेव्स तो वही तो है ना इंस्ट्रूमेंट. He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. तूफान जब होता है तो प्लेन पूरा हिलने लगता है और वो आराम से बैठे क्यों उठा रहा है. जो एरोप्लेन था वो बिल्कुल हिलने लगा और चारों तरफ पल्ला तूफान, बादल पूरे थे तो उसको बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा है, घबरा गया वो. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. लेकिन वो नहीं कर पाया कनेक्ट वहां से, क्योंकि स्टॉर्म में वो कनेक्शन जो था वो टूट चुका था. अब देखिए क्या, a black aeroplane appeared. Suddenly the narrator saw another black aeroplane in the storm. उसी समय उसको वहां पे एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन भी उसी तूफान में दिखा. समझ रहे, उसके आसपास ही उड़ता हुआ. By his side, without lights on its wing, उसके विंग पे कोई लाइट भी नहीं लगी हुई थी और उसके साइड में उड़ी उड़ा था. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. माने थोड़ा आश्चर्य की बात ही, तूफान में अचानक प्लेन कौन सा आ गया, ना कोई लाइट लगा है, कुछ भी विंग्स पे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के खुश हुआ कि कम से कम इस तूफान में मैं अकेला तो नहीं, एक सब मेरे साथ एक आदमी भी तो है जो दूसरे प्लेन में. The pilot of another plane waved at him and signaled to follow. So he did that because did not have other option except him. वो उसके तरफ इशारा करता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे को फॉलो करो. नरेटर जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है, और इसके पास मान लो आप कहीं आप पानी में डूब रहे हो, कोई कहेगा भाई ये लकड़ी पकड़ लो, अब उसमें कहो के ना ना हम तो तुमको पहचानते नहीं, तुम तो मेरे कुंबे के नहीं हो, अरे डूबता मरता क्या ना करता, उसके पीछे हो लिया. अ सेफ लैंडिंग, द नैरेटर फ्लू. इतने ये मतलब क्या करते हैं, उपले टाइप की स्टोरी. हमारे इंडिया में स्टोरी की पता नहीं क्यों ये स्टोरी एनसीईआरटी में हम लोग को पढ़ाना होता. अरे इंडिया में स्टोरी की कमी है, हम लोग से बड़े बड़े कौन से राइटर हुए, लेखक कवि एक से एक थे, और हम लोग केवल ब्रिटिश से पढ़ते. अभी भी हम लोग गुलामी, ये गुलामी है, इसको कहते हैं गुलामी. चिंता मत करें, मोदी जी जल्दी बदलेंगे. The narrator flew for half an hour, which was quite strange to him as he had fuel. He had fuel only for 5 or 10 minutes. ठीक है, आधे घंटे तक उड़ान भर मैंने इसी तरह हवा में उड़ते रहता है और उसके पास अब 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल रहता है. मिनट का. He felt fearful, but suddenly he saw two bright lines in front of. ऐसे घबराता है, डरता है, बोले 5-10 मिनट का ही फ्यूल है भाई, अब तो दिक्कत हो जाएगी. लेकिन अचानक उसको कोई दो लाइन है ना जो चमकीली रेखाएं हैं वो दिखती हैं. He was able to land safely, which gave him a sigh of relief. It was just like a miracle for him. और देखता है जो लाइंस था वो उससे वो लॉट मैंने कि वो जमीन का कोई था, कोई सड़क हो गया कोई चीज, वहां पर लैंड करता है और एक उसके लिए चमत्कार. देखिए आगे, द ग्रेटेस्ट सरप्राइज. और सब ये तो उतर तो गया, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? हाँ, द
The narrator came out from his plane to thank the pilot of the black aeroplane, but he was shocked to see no one other. सपने में पता नहीं क्या सोच रहा था, इसको लगा कोई होगा, बाहर निकला कि भाई थोड़ा थैंक यू कर दें, मुन्ना की जलेबी लो भी खिला दें, तो कोई था ही नहीं वहां पे। होता ही आदमी या तो मर रहा हो ना, तो आदमी का दिमाग बूती चलने लगता है। He went to control tower and asked the woman about the place and the black aeroplane. Control tower से connect करता है, बताओ भाई किस जगह पे हमें, वो black aeroplane कहाँ है? Hearing his words, the woman laughed and said that there was no other aeroplane except his. बोला कि भाई हंसती औरत बोलती कि है ना बावले दूसरी कोई भी plane नहीं। It was a big surprise to the narrator. He was dumb, founded as he had no explanation. क्या बोले बेचारा, एकदम गूंगे की तरह पड़ा रहा, उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे इस चमत्कार को बताने के।